सोलंग वैली यह हिमाचल प्रदेश के भारत में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर एक साइड वैली है जो रोहतांग की घाटियों के रास्ते पर रिसोर्ट शहर मनाली से 14 किलोमीटर दूर वेस्ट में है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं सोलंग वैली और वहाँ जाकर हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। भैया एक मिनट साइड होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है वो पॉइंट जहाँ से हमको पैराग्लाइडिंग के लिए बुकिंग करनी है और यहाँ से ही हम गाड़ी में बैठकर आगे पैराग्लाइडिंग के लिए निकलेंगे। पैराग्लाइडिंग, डाइविंग, बंजी जंपिंग, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो बीते 10-15 सालों में काफ़ी फेमस हुए हैं। उससे पहले हम इन्हें हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ में ही देखते थे। जैसे जैसे ट्रैवलर्स बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी बढ़ती गई हैं। आज पैराग्लाइडिंग जैसा स्पोर्ट बहुत ही लोकप्रिय हो गया है और हर कोई इस एक्टिविटी को एक बार जरूर करना चाहता है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां पर पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और ज़्यादातर ये एक्टिविटीज़ हिल स्टेशन पर ही कराई जाती हैं। सोलंग घाटी कुल्लू के हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये जगह पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाती है। तो यहाँ आपको कई पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स मिल जाएंगे जो आपकी पैराग्लाइडिंग करने में हेल्प करते हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए अक्टूबर से जून का महीना सबसे अच्छा रहेगा और यहाँ पैराग्लाइडिंग करने की जो फीस है वो 3500 से लेकर 5500 तक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें हमें अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ती है कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या हम हार्ट पेशेंट तो नहीं है, तो उसके बारे में हमको इस फॉर्म में पूरा फिल करना होता है। तो जो लोग भी पैराग्लाइडिंग के लिए जाने वाले होते हैं उनको इस पॉइंट पर लाया जाता है और फॉर्म फिल करने के बाद इन गाड़ियों में बिठा के आगे पहाड़ियों की तरफ ले जाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस जीप में बैठाकर ले जाया जाएगा। तो इसमें जो भी 7-8 लोग आएंगे, हम लोग इसमें बैठकर जाएंगे और हमें इसमें आगे की सिंगल सीट पर 3 लोगों को बैठाकर ले जाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। चारों तरफ केवल स्टोन ही स्टोन है और बीच बीच में पानी भरा हुआ है और ये जीप इतना हिल रही थी कि मैं अपना वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में भी जीप आपको हिलती हुई नज़र आ रही होगी और ये काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था। पहली बार हम इस तरीके से इस रास्ते पर जा रहे थे। तो देखिए, चारों तरफ केवल स्टोन ही स्टोन है और हम ऊपर की तरफ पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं और ये देखिए, हम एक सिंगल सीट पर 3 लोग बैठे हुए हैं और हमने अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और उसके वेट से हमारे पैरों की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती थी और मैं पूरी कोशिश कर रही थी मैं हर चीज़ का वीडियो बना के आपको दिखाऊँ। और यहाँ के ड्राइवरों को इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ पर गाड़ी चलाने की और इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, हमें तो लग रहा था कि हम गाड़ी से बाहर ही गिर जाएंगे, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि इन लोगों को आदत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमको इस पॉइंट पे थोड़ा रुकना होगा। पता नहीं इन लोगों को यहाँ से कुछ शायद अपना सामान कलेक्ट करना है और यहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग हो रही है, लेकिन ये थोड़ा पॉइंट नीचे की तरफ है तो जिन लोगों को ज़्यादा हाइट से पैराग्लाइडिंग नहीं करनी होती वो इस जगह से आके पैराग्लाइडिंग करते हैं, लेकिन हमको और ज़्यादा हाइट पर जाकर पैराग्लाइडिंग करनी है तो हम इससे आगे जाकर पैराग्लाइडिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटी है ये। तो पता नहीं गाइस, ये लोग यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। हमें लगभग आधा घंटा हो चुका है और मैं जितना हो सकता है आपको यहाँ की जो सीन्स हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे थोड़ा दूर रुक देना, गिर नहीं जाना किसी के ऊपर। ये ले पक, अरे भाई साइड में हैंड हटाना मेरा।
मेरे को गेट बंद करने देना, गेट बंद करने का भी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ और हम और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें और ऊंची पहाड़ी पर जाना है जहां से हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट से हमको पैराग्लाइडिंग करनी है और ये जो पैराग्लाइडर्स हैं इस तरीके से आपको रेडी करेंगे। और ये लोग इतना जल्दी जल्दी करते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करने वाले हैं। और मैं तो कई बार वीडियो ही नहीं बना पा रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि और रास्ते का भी वीडियो बनाऊं, लेकिन यहाँ पर ये पहाड़ियाँ इतनी डेंजरस हैं कि गिरने का काफ़ी डर होता है, तो मेरे से जितना हो सकता था मैंने वो चीज़ें शूट की। तो ये लोग इतनी जल्दी में थे कि कुछ बात सुन ही नहीं रहे थे और थोड़ा रूडली भी बिहेव करते हैं ये लोग। और इस पहाड़ी से हमको नीचे जाना है, लेकिन हमको ये पैराशूट पहनाने के बाद इन्होंने यूं ही छोड़ दिया, आपको खुद से ही नीचे जाना है। तब मैंने जाकर बोला कि भाई हमको थोड़ा हेल्प तो करो, नहीं तो हम गिर जाएंगे। और मेरी छोटी बेटी थी, उसको भी मेरे कहने के बाद ही ये हाथ पकड़ के नीचे लेके गए। अदरवाइज आपका ही रिस्क है, आप खुद से ही नीचे उतर के जाना है। अब बताइए, इतना भारी पैराशूट पहन के आप कैसे नीचे जाएंगे? ऊपर से इतनी ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, तो इनको बस अपनी एक्टिविटी कराने से मतलब होता है, और कुछ बोलो तो ये लोग नाराज भी हो जाते हैं। ये भैया गॉगल वगैरह निकाल ले क्या? गिरेगा क्या? तो फिर निकालने क्यों अभी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है। लेकिन आप जब भी इस जगह पर आएँ तो पूरी तरह से श्योर कर लें कि आपकी जो पैराशूट है सही से बंधा हुआ है कि नहीं, आपकी हार्डनेस सीट का बेल्ट है वो प्रॉपर बंधा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो काफ़ी जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा कि मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन ये लोग थोड़ा रूड हो रहे थे और काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं इनके कैमरे से वीडियो बनाने के बाद परचेज नहीं करूंगी। हालांकि मैंने अपने मोबाइल और इनके कैमरे दोनों से वीडियो बनाए और मैंने परचेज़ भी किया था, लेकिन मैं फिर भी अपने मोबाइल से अपना वीडियो बनाना चाहती थी। और मैं उन लोगों की बात नहीं सुन रही थी, तो उनसे थोड़ी बहस भी हो रही थी और वो लोग मेरे साथ थोड़ा रूड हो रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने मोबाइल से अपनी वीडियो बना के ही रही और उनके कैमरे से भी मैंने वीडियो बनाई। तो मैं यहाँ पर अपने पैराग्लाइडिंग के कुछ सीन्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बाकी मैंने सेपरेट पैराग्लाइडिंग की वीडियो तो अपने चैनल पर डाल रखी हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हों तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैंने अपने मोबाइल को दो डोरियों से बांध रखा था कि कहीं मेरा मोबाइल गिर ना जाए। गाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कर लिया, मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, अपने मोबाइल से वीडियो बना के लाएंगे। आप अप्रूव कर सकते, पैसे बचा लिए आपने। और दो एक्स्ट्रा कराना है एक्टिविटी, एक्स्ट्रा किया आपने? भैया ने, पायलट कौन था आपका? नहीं भैया ने की है, मैंने नहीं की, मैंने तो अपने। तो फ्रेंड्स, ये जब पैराग्लाइडिंग कराते हैं तो जब हम हवा में जाते हैं तो ये हमसे पूछते हैं कि आपको और एक्टिविटीज़ करनी है कि नहीं, तो उसके लिए ये अलग अलग चार्ज करते हैं। तो एक बार हवा में गुलाटी मारने के ये 500 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ तक लेते हैं, पर मैंने तो नहीं किया क्योंकि मेरे लिए ये पैराग्लाइडिंग ही इतना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था, तो यही मेरे लिए काफ़ी था और मैं पहली बार कर रही थी, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी नहीं की थी क्योंकि मुझे यही करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। देखो ऊपर देखो, वो करा रहा यार, लग रही थी। पर मेरे हस्बैंड ने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की और वो उनको समझ ही नहीं आई, उन्होंने केवल एक गुलाटी मारी और उसके बाद उन्होंने 500 रुपीज़ चार्ज किए और बाकी उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्हें कुछ अलग नहीं लगा। तो अगर आप ना चाहें तो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करें, क्योंकि अगर आप पहली बार पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तो यही आपके लिए बहुत एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, उसको ही आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी मज़ा आया ये एक्टिविटी करके। तो अगर आपको लाइफ में मौका मिले तो एक बार हर एक्टिविटी को ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो एक्सपीरियंस हम फील कर सकें और औरों के साथ शेयर कर सकें। और इस तरह की एक्टिविटीज़ हम जितनी जल्दी यंग एज में कर लें उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कई बार हमको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं और ज़्यादा एज होने की वजह से हम ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। तो लाइफ में इन एक्टिविटीज़ को जल्दी और ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा।
तो पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर पैराशूट से लैंडिंग कराई जाती है और ये काफ़ी बड़ा मैदान है और यहीं से आपको फोटोज़ और अपनी वीडियोस कलेक्ट करनी होंगी। उसके लिए आपको अलग अलग चार्ज पे करना होगा, तो हमने अपनी वीडियोस के लिए 500 रुपीज़ पे किए। तो हमें यहाँ से अपने फोटोज और वीडियोस कलेक्ट करने हैं और उसके बाद हम लोग वापस अपने गाड़ी की तरफ चले जाएंगे। तो देखिए मेरे चारों तरफ पैराशूट ही पैराशूट नज़र आ रहे हैं और सब लोग इस एक्टिविटी को करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर आकर एक नया अलग ही रोमांचक एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी खूबसूरत प्लेस है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और एक ये बड़ा सा मैदान जहां पर उड़ते हुए पैराशूट और लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और पहली बार ऐसा सीन देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो गाइस हम लोगों को तो ये एक्टिविटी करके काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी एक्साइटिंग था। तो होप सो आपको भी मेरा ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।